परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। इस गाने से आपको साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म राजा हिंदुस्तानी याद आ गई होगी, जिसका ये गाना काफी सुपरहिट हुआ था, जिसमें हमें एक नशे में धुत बंजारन दिखाई दी थी, जिसके दमदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखी डांस स्टाइल ने गाने को एक यादगार गाना बना दिया था और इस फिल्म को एक यादगार फिल्म। लेकिन दोस्तों आज फिल्म को रिलीज हुए पूरे 26 साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में फिल्म में नजर आई पियक्कड़ बंजारन भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। जो आज कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखाई देती है कोई नहीं जानता, तो इसलिए आज हम आपको उसी पियक्कड़ बंजारन से रूबरू कराकर इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। मगर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फिल्म में बंजारन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम कल्पना अय्यर है, जिनका जन्म 17 अप्रैल 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की थी। लेकिन अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर की तो आपको बता दें इन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी ट्राई किया जिसमें ये रनर अप रही, जिसके बाद इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और हमें साल 1980 में ये हमें प्यारा दुश्मन फिल्म में नजर आई, जिसके बाद ये हमें पूनम फिल्म में नजर आई जिसमें इन्हें काफी किया गया और इस फिल्म के बाद तो इन्हें कई फिल्में ऑफर हुई जिसमें हमसे बढ़कर कौन, हम साथ साथ हैं और राजा हिंदुस्तानी जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं, जिनमें काम करके इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की। पर अगर बात की जाए इन बीते 26 सालों में इनके अंदर आए बदलावों की तो आपको बता दें कि जहां राजा हिंदुस्तानी फिल्म में यह हमें पियक्कड़ बंजारन कजरी के रूप में हैवी डार्क मेकअप किए हुए, ब्लैक कलर का शीशे से जड़ा हुआ लहंगा चोली पहने और हैवी ज्वेलरी पहने हुए काफी यंग नजर आई थी, तो वहीं आज ये 67 साल की हो चुकी हैं और आज ही हमें रंग बिरंगी साड़ियों में, सफेद छोटे बालों में, चश्मा लगाए हुए, गोरी चिट्टी और भारी भरकम दिखाई देती हैं। इनके शक्ल सूरत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी जमाने में बला के खूबसूरत रही होंगी, जिन पर हजारों लोग मरा करते थे। साथ ही अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने शादी नहीं की है, मगर एक समय पर इनका गब्बर के कैरेक्टर से मशहूर हुए अभिनेता अमजद खान के साथ सीरियस अफेयर था, मगर वो पहले से ही शादीशुदा थे जिसके चलते वो इनसे शादी नहीं कर पाए और इनका प्यार अधूरा रह गया। मगर ये हमेशा उनसे एक तरफा प्यार करती रही, इसीलिए तो जब अमजद खान की मौत हुई तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये हमेशा सिंगल ही रहेंगी, इसीलिए तो आज तक ये सिंगल है और फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर दुबई में अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं। तो दोस्तों आपको अभिनेत्री कल्पना अय्यर का ये बदला हुआ रूप कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।